Hello everyone, myself Saveri Sarkam and I am your mentor for your UGC NET Economics exam. In this particular video, we are going to solve some past year's questions for your Indian Economics subject. Ab Indian Economy bahut important part hai, but iske zyadatar questions factual rehte hain, kam conceptual rehte hain. So, aaj hamara try yehi hoga ki hum jyada facts jo hain yahan pe revise karke jayein. Also guys, this is the 10 question series. So in the end of the video, do let me know कि आपके 10 में से कितने marks आए. So let's start with our video. Before getting into the video, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. Also guys, please join our Telegram group. वहाँ से आपको you can solve some daily quizzes and post your queries related to your exam. UGC NET से related, you can post your queries here. Also guys, if you want to know more about our course, you can contact us at 9999466225 or check out our website anujiddal.in. So let's start with the first question. Which of the following are the objective of the Commission for Agriculture Cost and Price, CACP? Now CACP has become very relevant because agriculture जो है बहुत ही ज्यादा एक कंटेम्प्री टॉपिक बन गया है. सो पार्ट वन सेज टू इंश्योर मीनिंगफुल एंड रियल इनकम लेवल्स टू फार्मर्स. मीनिंगफुल एंड रियल इनकम लेवल्स टू द फार्मर का क्या मतलब है कि उनको इन्फ्लेशन के बगैर भी एक जो मिनिमम लेवल मिलना चाहिए वो उनको मिले. नेक्स्ट इज टू स्टेबलाइज एग्रीकल्चर प्राइजेस. प्राइस स्टेबिलिटी हो ताकि कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को दोनों को ही एक स्टेबल इकोनॉमी मिले. नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स जो हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएं. सो दीज आर योर ऑप्शंस, ऑल ऑफ द अबव. बी पार्ट इज 2 एंड 3, सी पार्ट इज 1 एंड 3 एंड डी पार्ट इज 1 एंड 2. सो गाइज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड लेट अस अंडरस्टैंड कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस. नाउ दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1965 पर 1965 से लेके 1985 तक इसका जो नाम था वो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था. सो द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस वॉज अर्लियर नेम्ड एज एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन विच केम इन टू एग्जिस्टेंस इन जनवरी 1965. अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ईयर बता दीजिए या उसका फॉर्मर नाम बता दीजिए. सो यू नो बोथ ऑफ दीज आंसर्स. इसके अंदर देर इज अ चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, वन मेंबर एंड टू अदर मेंबर्स विच आर नॉन ऑफिशियल्स. ये जो नॉन ऑफिशियल्स होते हैं ये जनरली फार्मर्स होते हैं या फार्मर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से उनके रिप्रेजेंटेटिव चूज करके आए होते हैं जो अपनी बात रखते हैं गवर्नमेंट के सामने कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. सो लेट अस गेट बैक टू आवर क्वेश्चन. Now you guys must be able to answer and I hope you have been answering in the chat box. The correct answer is A. ये सारी चीज़ें ही करता है क्योंकि this ensures price stability. तो ये consumer के भी जो interests हैं उनको protect करता है, also quality को भी ensure करता है. So फिर से consumer के जो interest हैं वो यहाँ से protect होते हैं. Let us move on to the next question. The three pillar of APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, are trade and investment liberalism. इसका मतलब है free trade और free investment हो पाए. B part says business facilitation, MNCs जो हैं वो ज़्यादा बढ़ें. Economic and technical cooperation. Economic cooperation तो हो गई, आप एक दूसरे की goods and services में help करें और जो सर्विसेज की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, कैपिटल की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें हेल्प करें. टेक्निकल कोऑपरेशन का मतलब है कि अगर कहीं पे कुछ टेक्नोलॉजी बनी, कुछ एडवांसमेंट आई तो उस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी हो. एंड डी पार्ट सेज
मिलिट्री कॉपरेशन। मिलिट्री जो कॉपरेशन होती है उसका मतलब क्या है, आप डिफेंस सप्लाईज प्रोवाइड करें, डिफेंस में जो टेक्नोलॉजी आई है उसका ट्रांसफर करें, या फिर कोई भी वॉर की सिचुएशन बन रही है कहीं पे तो अपने एलाइज को हेल्प करें। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, ऑल्दो इट इज अ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, लेकिन इंडिया फिर भी इसका पार्ट नहीं है। द एशिया पैसिफिक कॉपरेशन APEC इज अ रीजनल इकोनॉमिक फोरम। अब इकोनॉमी के लिए है ये, एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1989। ओके, एंड दिस इंश्योर्स द गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट टू मूव फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब कि लिबरलिज्म है यहाँ पे। ऑल्सो आई हैव नेम्ड सम ऑफ द कंट्रीज हेयर फॉर यू, मेन देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, चाइना, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑल्सो डू रिमेंबर दैट इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। APEC के लिए दिस रीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ की जो मैक्सिमम कंट्रीज है दे आर द पार्ट ऑफ APEC। लेट अस कम बैक टू आर क्वेश्चन। ट्रेड करता है ये, बिजनेस फैसिलिटेशन भी होती है इसमें, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन होती है, मिलिट्री कॉपरेशन नहीं है ये। सो ABC इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स, एंड लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिक्विडिटी एग्रीगेट्स आर क्लासिफाइड एज L1, L2, L3, M1, M2, M3, C part says NM3 and D part says M1, M2, M3, M4. Now most of you guys must have answered part D or part B. ये monetary aggregates हैं। ये बताते हैं कि bank की कितनी liability है, बट ये नहीं बताते। दीज एक्चुअली टेल यू दैट द वट काइंड ऑफ बैंक लाइबिलिटी देर आर इन द मार्केट, बट दे डजेंट टेल यू कि लिक्विडिटी की क्या कंडीशन है मार्केट में। ओके, लिक्विडिटी कैसी है मार्केट में ये नहीं बताते। ए पार्ट इज योर करेक्ट आंसर, L1, L2, L3 ये आपको लिक्विडिटी बताते हैं, इसलिए इनको लिक्विडिटी एग्रीगेट्स बोलते हैं। जो बैंक की लाइबिलिटी है वो एक्चुअल लिक्विडिटी का स्टेट नहीं बताती। लिक्विडिटी का मतलब कि कितना आराम से ट्रांजैक्शन की जा सकती है मार्केट में, वो ये सारे एसेट्स जो बैंक की लाइबिलिटीज हैं वो नहीं बताते। इसीलिए L1, L2, L3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था और ये एग्जाम पेपर में आया हुआ है, सो प्लीज डू मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेशनल फोर्स फूड सिक्योरिटी लॉ कवर्स 65% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, 70% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन और 80% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। ये पास्ट ईयर में पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, बट की में इसका आंसर जो था वो गलत था। ऑल्दो इट वॉज चैलेंज्ड, बट आंसर जो की में दिया हुआ है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का गलत था। द करेक्ट आंसर हेयर इज पार्ट सी, एंड आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स। सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन कम्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी लॉ। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर हैज रिकमेंडेड 3-tier सिस्टम इंक्लूडिंग लोकसभा, लेबर कोर्ट एंड लेबर कमीशन। बी पार्ट सेज लोक अदालत, लेबर कोर्ट, लेबर रिलेशन कमीशन। सी पार्ट सेज लोक अदालत, लेबर कोर्ट्स, जुडिशियल कोर्ट्स, एंड डी पार्ट सेज लोक अदालत, लेबर कोर्ट्स एंड लेबर इंस्पेक्टर। दिस वॉज अ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन एंड दिस वॉज आस्क्ड इन योर पास्ट ईयर, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। लेबर लॉज भी एक कंटेम्प्रेरी टॉपिक हो गया है एंड वी नीड टू रिवाइज दीज टॉपिक्स। सो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर। जो नेशनल कमीशन ऑन लेबर है वो लेबर के जो रिलेशन है
बार्गेनिंग पावर है उसको, वो इम्प्रूव करने के लिए होती है. सो जो लेबर है मार्केट में, उसके पास बहुत लिमिटेड बार्गेनिंग पावर होती है. ओवर यूजेज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना, जहाँ पे लेबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. सो द पॉपुलेशन इफ इट इज हाई, तो जो लेबर ओवर यूजेज है वो बढ़ जाता है. इसीलिए ऐसे नेशनल कमीशन बनाए जाते हैं कि जो लेबर है उनकी भी जो बार्गेनिंग पावर है वो इम्प्रूव हो पाए. नाउ आई थिंक दैट यू हैव आंसर्ड इन द चैट बॉक्स. द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, लोक अदालत, लेबर कोर्ट्स एंड लेबर रिलेशन कमीशन. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल अमंग द फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स पे, ह्यूमन कैपिटल बनता है जिससे, और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल प्ले करती है. ये किस ने कहा है, किसका स्टेटमेंट है ये? A New Education Policy 1985, Education Commission 1966, NCERT और Supreme Court of India. So do let me know in the chat box what do you think is the correct answer here. Also, the chairperson of this committee or for this association was D.S. Kothari, जिन्होंने ये ऐसे बोला था, जिनके अंडर ये स्टेटमेंट दी गई थी, इसलिए इसको कोठारी कमीशन भी कई बार बोल दिया जाता है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज बी, एजुकेशन कमीशन था ये, विच वॉज सेट अप इन 1966 अंडर कोठारी, हु वर एबल टू टेल कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो एक आपकी ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में चेंज कर देती है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द आरबीआई मेड इंडियन रुपी फुली कन्वर्टेबल इन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज इन द ईयर 1985, 2002, 1994, 2011. अब आप इसको थोड़े से अपने गैस वर्क से भी सॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से. यहाँ पे मेरी कोशिश यही थी ताकि मैं आपको थोड़ा सा गैस वर्क भी सिखा पाऊँ. इंडिया में लिबरलाइजेशन जो थी वो 1991 में आई थी, और उससे पहले जो कन्वर्टिबिलिटी थी वो ना के बराबर थी. सो वी कैन एक्चुअली जज कि 1991 के बाद ही कुछ हुआ होगा. सो इट इज़ वेरी लॉजिकल कि दैट यू गेस कि 1994 या 2002 के बीच का कोई पीरियड होगा, इससे पहले या इससे इतना ज़्यादा बाद में का टाइम नहीं होगा ये. तो द करेक्ट आंसर हेयर इज 1994, और आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा गेस वर्क करना आया होगा, इवन इफ यू डू नॉट नो द करेक्ट आंसर. लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन was launched in the year 1991, 1998, 2005 and 2009. So 1990s, तो पूरा ही हमारा economic growth and development में चला गया. किसके लिए? Services और आपके industrial sector में, क्योंकि that was the era when we were actually liberalization कर रहे थे हम अपनी कंट्री का. एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सो वी वर बिजी देयर. तो 1990s का कोई ईयर नहीं होगा, उसके बाद की बात है. सो हेयर ऑल्सो यू कैन गेस सम करेक्ट आंसर इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट ईयर. द करेक्ट आंसर इज सी. कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, इवन इफ यू डू नॉट नो द आंसर, थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस वर्क कीजिए, वहाँ पे यू वुड बी एबल टू आंसर द करेक्ट पार्ट. थोड़ा सा आप अपना जो इंटेलिजेंट गेस है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें.
रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी ओनली. इंडियन इकोनॉमी में अगर आप सॉल्व करते रहते हैं क्वेश्चंस, तो आपके जो गेस वर्क है ये बहुत इंप्रूव कर जाएगा. लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज बिफोर इंडियन इकोनॉमी एज ऑफ नाउ. ओके, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन द ईयर 2018. ए पार्ट सेज widening current account deficit, B part says rising protectionism in the world, C part says high import of gold, D part says depreciation of Indian rupee. Now, ये 2018 में जब पूछा गया था तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो C था, high import of gold. Okay, but अगर आप recent news follow करते हैं you would know कि Indian जो imports हैं that has increased 471% फॉर गोल्ड अलोन. तो इतना ज़्यादा अगर इम्पोर्ट बढ़ जाएगा तो आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो तो ख़राब हो जाएगा. इसीलिए एक ये प्रॉब्लम बन जाएगा एक कंट्री के लिए. सो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था कि अभी भी इन सारे ऑप्शंस में से वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, दिस इज ऑल्सो अ ह्यूज प्रॉब्लम, rising protectionism in the world, this is also a great problem, and depreciation of Indian rupee, this is also a big problem when compared to the import of gold. लेकिन अगर gold से related और कोई option आए जो उससे भी कम impact दे रहा हो, okay? जैसे depreciation की यहाँ जगह यहाँ पे devaluation लिखा होता, तो यहाँ पे आपका आंसर गोल्ड इम्पोर्ट्स आप नहीं करके आते. बट गिवन द ऑप्शन स्टिल द आंसर इज गोइंग टू बी सी ओनली. बट आई जस्ट वॉन्टेड टू अपडेट दैट दिस इज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कि गोल्ड का भी इम्पोर्ट, अब ये 3 साल में गोल्ड का जो इम्पोर्ट है दैट हैज ऑल्सो बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर द मैक्रो इकोनॉमी. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन. द रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड Commission of Social Dimension of Globalization was set by which of the following organization? United Nations, OPEC, Indian Labour Organization, or World Trade Organization. So do let me know in the chat box what do you think is the correct answer here. यहाँ पे correct answer आपको क्या लगता है कि World Commission on the Social Dimension of Globalization ये किसका part है? Exactly question past year में, this was not the exact question. I have changed it and made it more contemporary. So ये थोड़ा सा change of question हो गया आपके लिए. So do let me know in the chat box what do you think is the correct answer. यही तरीका है past years को analyze करने का कि उसमें जो changes आए हैं और जो relevance change हो गई है आप उसको understand करें, और सिर्फ वो question revise ना करके जाए, उससे रिलेटेड सारे जो पार्ट्स हैं उनको रिवाइज करके जाएं. इसका करेक्ट आंसर सी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो आई होप कि आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं. सो गाइस डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स आपके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं. ओके, और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है. प्रिपेयर करते रहेंगे हम, प्रिपेयर करने में कोई भी ब्रेक नहीं लेंगे. एग्जाम जो है, ऑल्दो इट हैज पोस्टपोन दैट, बट वी नो कि एग्जाम होगा. जो अपनी पुरानी मिस्टेक से सीखता है वही जो है सक्सेसफुल होता है. पिछली मिस्टेक लास्ट टाइम भी कुछ बच्चों ने ये की थी, दैट दे स्टॉप्ड प्रिपेयरिंग. वो भूल गए थे एक बहुत पुरानी कहावत कि दिस शैल टू पास. ये जो टाइम है ये भी निकल जाएगा, दिस टाइम विल पास, एंड द विनर्स आर दोज हु विल लर्न फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक्स एंड दे विल कीप ऑन इम्प्रूविंग एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग. सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल. आई होप दैट यू हैव बीन कीपिंग वेल. आपकी तबीयत ठीक है, आप अच्छे से अपना ध्यान दे रहे हैं, मास्क पहन के बाहर जा रहे हैं. सो कीप प्रिपेयरिंग गाइस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू.